गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड में। तो मैं हूँ अभी मैठेनाखाल रोड पे। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते से, तो आपको अगर रास्ता बताएं तो ये रास्ता आता है, आपको पहले प्रॉपर श्रीनगर आना पड़ेगा। श्रीनगर से एक बड़ियारगढ़ वाला रूट है, आपको सीधे बड़ियारगढ़ वाले रूट से आना पड़ेगा। उस से आगे पड़ेगा सौराखाल, और सौराखाल से कम 15-20 किलोमीटर आगे है ब्यूता। ब्यूता ही था वहाँ पर, ब्यूता। तो वहाँ पे मेन रोड ख़त्म है, उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। तो आपको मैं रूट बताऊंगा रास्ते का, तो आप देखिए किस तरह का यहाँ का रास्ता है, कैसे बन रखा है गांव में। ये हमारे साथ के लोग हैं, कुछ लोग आगे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ से। हाय ये गो। पैदल मार्ग, पैदल मार्ग की अगर बात करें तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1.5 या 2 किलोमीटर, और घने चीड़ के जंगल हैं इधर। ये आप देख सकते हैं नज़ारा जंगल का, आज वैसे धूप भी नहीं लगी है, तो सुहाना मौसम हो रखा है। और ये लोग हैं, ये जो हमारे गांव के हैं रहते ये बाहर हैं, इसलिए इनको चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या मतलब, हैबिट नहीं है ना चलने की, शहर में रह रहे बच्चे भी, तो इस कारण से इनको थोड़ा थकान लग रही, तो फिर भी चल ही रहे हैं। अब यहाँ से दिखाएंगे आपको, तो यहाँ से होगा कम से कम 100-150 मीटर आगे, ये घने जंगलों के बीचों बीच है माता का मंदिर, माता मैठेनखाल का मंदिर। ये उत्तराखंड में जाना माना मंदिर है, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए इसको, गूगल में आपको मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा ऐसा रास्ता है, ये वाला रूट है। अब बाकी बीचों बीच जंगल है। ये देखिए ये बच्चे हैं, और ये हमारी चाची जी हैं। ये देखिए ये लड़की भी, इसको कैसा लग रहा बेटा, कैसा लग रहा बताना जरा, हैं कैसा लग रहा है आप आके। देखिए सुंदर व्यू लग रहा है इनको, ये देखिए। और यहाँ से आपको दिखाएंगे जंगल का नज़ारा, तो बहुत ही भव्य नज़ारा आपको दिखेगा। मौसम यहाँ का बहुत सुहावना है, ठंड है, आप यहाँ गर्मियों के मौसम में आ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं कि गर्मी चल रही है आजकल। तो ये वाला रूट है। अच्छा लग रहा, कितना दूर है, दूर लग रहा तेरे को, थकान लग रही, थकान है, चल तो बताओ, और ताकि थोड़ा चल। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है, और हिम्मत की बात माननी पड़ेगी इसकी, बाकी बड़े लोग बोले हमें थकान लग रही है, ये बोला कुछ नहीं लग रहा है। और ये हमारे दादा दादी हैं बुजुर्ग, देखिए इनकी उम्र होगी कम से कम 80-85 साल। दादाजी कैसा लग रहा है, दादाजी ठीक ही है, कर लो ये कहता है, बड़े अच्छे बढ़िया, मौसम ठीक है ना। हाँ। देखिए सुहावना मौसम है, और ये लोग भी चल ही रहे हैं, हम भी चल ही रहे हैं इनके साथ। इससे आगे आपको मंदिर में जाके दिखाएंगे आपको रूट, और फिर आपको बैक रूट भी दिखाएंगे कि कहाँ से हम आए थे और कहाँ से हम जाएंगे वापस, और उधर की रोड रूट आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। यहाँ से अभी मंदिर थोड़ा दूर है, तो वहीं पे जाके दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ इस तरह के जंगल होते हैं, ये है काफल के पेड़ भी हैं यहाँ पे, बांज के वृक्ष मिलेंगे आपको, चीड़ के मिलेंगे, लगभग लगभग सारे ही मिलेंगे। ऐसे जंगल है घना, और ये मेन रास्ता, रास्ते से आगे आपको दिख रहा होगा गेट, अब गेट पे पहुँचने वाले हैं हम। ये मेन गेट, और यहाँ से जाएंगे अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग रोड, ये चले हम यहाँ से। ये आपको दिख रहा होगा ये प्रांगण, ये मैठेना माँ का प्रांगण है। ये मेन गेट, यहाँ से एंट्री होगी अंदर, तो ये है प्रांगण, यहाँ से दिखेगा आपको मंदिर। यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी हैं, इससे आगे चलेंगे क्रॉस लेके। ये देख सकते हैं आप प्रांगण पूरा, और ये है माँ मैठेना का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है, आप देख सकते हैं पूरा, आपको चारों तरफ से दिखाएंगे। ये है मंदिर, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, गांड दिख रहे होंगे, ये किसी न किसी ने चढ़ाए हुए हैं सारे,
देखिए कितने सारे घाट हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरी लाइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये प्रांगण के किनारे लगे हुए हैं, इधर से वो आगे तक आपको दिख रहा होगा, पूरा आगे तक है। और यहाँ से मैं आपको घुमा के दिखाऊँ, देखो लोग बाग भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो ये है मंदिर, आपको घुमा के दिखाऊँ पूरा व्यू। ये देखिए ये पूरा, मैं अभी प्रांगणी में हूँ, ये वाला रोड, ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और आप देखिए रास्ते में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए पसीना आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा दादाजी लोग भी पहुँचने वाले हैं। ये है मेंढनखाल का मंदिर, आप देख सकते हैं पूरा व्यू यहाँ से प्रॉपर। ये प्रांगण है और ये मंदिर है, ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है। ये देखिए पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये धूप खिली है, मौसम फर्स्ट क्लास हो चुका है, सुबह बारिश भी आई थी आज। ये मैं प्रांगणी में हूँ, ये देखिए ये है मेंढनखाल का मंदिर और ये व्यू है पूरा चारों तरफ का। इस हिसाब से ये है यहाँ का व्यू। माता का मंदिर का प्रवेश द्वार, ये देखिए यहाँ से जाएंगे अंदर। ये दान पेटी रखी है, इसमें आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी रख सकते हैं। ये आप अंदर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर का दिखा नहीं सकते, बाकी आप बाहर से देख सकते हैं। जय माता दी। देखिए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अंदर का व्यू है, नारियल फोड़ने का। तो ये बहुत प्राचीन पत्थर है, यहाँ पे फोड़ा जाता है इसके अंदर का, ये प्रसाद के रूप में। देखिए इस हिसाब से सूखा नारियल को लाए तुम कच्चा लिया थे आए था ही नहीं वापस है तो भी फोड़े जाते चारों तरफ डाला। दीवार का है, ये जलता ही रहता है, जो भी श्रद्धालु आते हैं इसमें तेल डालते हैं और अपनी श्रद्धा से जो भी है यहाँ पे चढ़ाते हैं, धूप तेल वगैरह जो भी है। ये आप देख सकते हैं, ये साइज से शनि महाराज जी का है यार, भैरवनाथ जी है यहाँ पे। शाकारी नंदी गण सोवत है, कैसे सागर मध्य कमल है, जैसे कार्तिक श्याम गण राव हो या छवि के। दर्शन हो चुके, हम चले यहाँ से वापिस। देखिए अब यहाँ से ये वापसी वाला रूट है, आपको दिखाएंगे आगे जाके नीचे के रोड वाला रूट। गाइस ये लास्ट स्टेशन, ये गांव है सौंदा, ग्राम पंचायत सौंदा, बरदार, बरदार पट्टी में आता है। लास्ट स्टेशन है, यहाँ से पैदल वाला रूट है, यहाँ से हम अभी गए थे। और ये है लास्ट स्टेशन, यहाँ से चलेंगे वापस आगे के लिए। यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कुछ, और की हमारी वाली गाड़ी भी यहीं पे है। और एक दो यहाँ पे गांव है ये, और यहाँ से इसी के लिए चलेंगे अब। सौराखाल के लिए जाएगा ये वाला रूट, सौराखाल से जाएगा बड़ियारगढ़ के लिए, उधर से आपको श्रीनगर जिधर भी निकलना है आप अपने अपने क्षेत्र जा सकते हैं।